नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहे हैं जो 90 के दौर पर भारतीय सिनेमा का सबसे मशहूर हीरो बनकर उभरा था और वो महज 3 फिल्मों में पूरे बॉलीवुड पर राज किया। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वो एक ऐसे स्टार बनने जा रहा था, मगर अचानक ही हिंदी सिनेमा से वो गायब हो गए। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक घटना ने इनका पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया? चलिए आज जानते हैं इस बदनसीब अभिनेता की स्टार बनने से लेकर डूबने तक की पूरी कहानी। दोस्तों, 90 के दौर में बहुत से एक्टरों ने हिंदी सिनेमा में अपना किस्मत आजमाया, पर चंद्रचूर सिंह उनमें से सबसे आगे निकल गए थे। लेकिन यह जानना काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे राजवाड़ों का बेटा म्यूजिक टीचर था और यूपीएससी की तैयारी करता था और वह हिंदी सिनेमा में आ गया। उड़ीसा के महाराजा की बेटी की शादी यूपी के अलीगढ़ के सांसद बलदेव सिंह से हुई थी। इनके घर ही 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूर सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूर के 2 भाई और हैं, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वह दोनों से ये अलग थे। महारानी और सांसद का बेटा कोई ऐसे वैसे स्कूल में थोड़ी ही ना पढ़ेगा। उसने दून पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया जहां भारत के मशहूर कारोबारियों का बेटा, राजनेताओं का बेटा, यहां तक कि राजीव गांधी और राहुल गांधी भी वहां पर अध्ययन कर चुके हैं, यहां पर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मन में ही इनकी इच्छा थी कि वो चाहे तो यूपीएससी करेंगे या फिर एक्टर बनेंगे, दूसरा और कोई कार्य तो करेंगे नहीं। साथ में संगीत में थोड़ी सी रुचि थी, इसलिए वो क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया और उस्तादों को सुना करते थे ताकि सुर, लय, ताल सब समझ में आ सके। 12वीं पास हुए, जब 12वीं पास हुए तो वे दिल्ली चले गए क्योंकि परिवार दिल्ली में ही बसा हुआ था। दिल्ली में ही इनका दाखिला यहाँ के मशहूर सेंट स्टीफंस में करवा दिया गया। पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, इसलिए इनको सपना पूरा करने के लिए इनके लिए पूरा मैदान खुला था। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कहीं कोई व्यवधान नहीं था, ये जो चाहते वो कर रहे थे। दौर 1988 में का है जब इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री इनको मिली। जब ग्रेजुएशन इन्होंने कर लिया तो परिवार को बताया कि वो मुंबई जा रहे हैं हीरो बनने के लिए। यहाँ से इनकी कहानी अलग हो जाती है। लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और परिवार वालों ने इन्हें अकेले नहीं जाने दिया। कई तरह के संबंधों को दुहाई देते हुए इनको जब भेजा गया तो वहाँ पर सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट से। महेश भट्ट इनको बोला कि सबसे पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करिए और कुछ सीखिए। यहाँ पर इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन मन में तो कुछ और था। और मन में जो इनकी इच्छा थी वो लहर जो थी वो किनारे पर तूफान मचा रहा था। वो डायरेक्टर में कहाँ इनको मजा आ रहा था जो इनके मन में था। ये हीरो बनना चाह रहे थे, फिर से ये हाथ पैर मारना चालू किया, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और इसे इनको बहुत जल्दी ही पहला मौका भी मिल गया। चित्रा कृष्णमूर्ति के साथ फिल्म बन रही थी जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में लीड रोल करने को मिला, लगा कि सपना पूरा हो गया, लेकिन ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग ही हुई थी कि फिल्म बंद हो गई। कहा गया कि बजट खत्म हो गया, यानी पैसा समाप्त हो गया, अब फिल्में नहीं बनेगी। चंद्रचूर का तो सपना अब टूट गया और वो जहाँ थे वहीं आ गए। खैर, उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन अगले 2 साल में 2 ऐसे घटनाएं हुई जिससे इनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई। हिम्मत तोड़कर रख दिया, वो मुंबई छोड़कर फिर दिल्ली आ गए। चलिए जानते हैं कि क्या हुआ। 1990 के आसपास की बात है। सुभाष गई
दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर के एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड रोल की तलाश थी। जैसे ही चंद्रचूर को ये बात पता चली कि वो की एक फिल्म बन रही है सुहास गई के द्वारा, वे ऑडिशन देने आ गए। वो सुहास गई को पसंद भी आ गए, ऑडिशन दिए और वे पास कर गए। उन्हें लीड रोल में हीरो के तौर पर सेलेक्ट किया गया। राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत एक बार फिर लगा कि अब सपना पूरा होने जा रहा है। पर ये क्या, फिर आयन मौके पर इन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। जब फिल्म से निकाल दिया गया तो ये फिर मायूस हो गए। फिल्म 1991 में आई, नाम था सौदागर। याद करिए, जब जो फिल्म 1991 में आई उसका नाम था सौदागर। विवेक मुसचरान वाला रोल पहले चंद्रचूर सिंह को ही मिला था। यानी कि सौदागर में जो फिल्म सौदागर था उसमें जो हीरो थे इनके जगह चंद्रचूर सिंह को ही रोल मिला था। लेकिन किसी कारणवश फिर ये कर नहीं सके और फिल्म सुपरहिट हो गई। सौदागर जो फिल्म थी वो सुपरहिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए। फिर भी इन्होंने, चंद्रचूड़ ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत जुटाया और मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपनी फिल्म करियर की शुरुआत करने जा रही थी। लीड रोल के लिए ऑडिशन हुआ, चंद्रचूर को सेलेक्ट कर लिया गया। लेकिन फिर वही हुआ जो पहले हो रहा था। शूटिंग के ठीक पहले इनको वहाँ से हटा दिया गया, किसी दूसरे नए हीरो को रोल दे दिया गया और 1992 में आई वह फिल्म बेखुदी, जिसमें कमल सदाना का रोल पहले चंद्रचूर को करने वाले थे। इस फिल्म ने भी सदाना को रातों रात स्टार बना दिया गया और चंद्रचूर जहां थे वहीं रह गए। तीन तीन बार बदकिस्मती की मार झेल रहे अभिनेता की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली लौट गए। सोचा कि शायद हीरो बनना उनके नसीब में नहीं है। वो हार गए, हार थक कर के घर वापस आ गए और उन्होंने फिर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया और एक स्कूल खोला जिसमें वो संगीत सिखा रहे थे बच्चों को। इसी बीच एक चपरासी आता है। यहाँ से किस्मत फिर एक करवट लेती है, इनकी जो किस्मत है वो फिर से करवट लेती है। चपरासी आकर बोला कि सर एक कॉल आया है। जब चंद्रचूर ने कॉल को उठाया तो दूसरी तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन थी। जया बच्चन से बात हुई, 1994-95 की ये बात है। जया बच्चन ने बोला कि हमारी कंपनी चंद्रचूर सिंह स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए और असरद वारिसी के साथ उन्हें लीड रोल मिला। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने और आखिर वो फिल्म में आ गए। फिल्म का एक गाना था लड़की आँख मारी, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। फिल्म तो नहीं चली लेकिन एक गाना ने इस अभिनेता की किस्मत को रातों रात बदल कर रख दिया। हुआ ये कि गुलजार साहब उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जो आतंकवाद पर थी। उसमें एक भटके हुए सिख युवक के लिए किसी नए एक्टर की तलाश थी। गुलजार साहब की नज़र तेरे मेरे सपने के ऑडियो टेप पर पड़ी जो चंद्रचूर सिंह की थी और वो गुलजार साहब को पसंद आ गई और उन्हें ये किरदार चंद्रचूर को दे दिया। 1996 में वह फिल्म आई माचिस। फिल्म सुपरहिट रही, साथ ही फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे। चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हें फिल्म में इतना बेहतरीन अभिनय किया कि उस साल का बेस्ट डेब्यू अवार्ड अपने नाम कर लिया। वैसे एक बार उनके नाम बदलने को लेकर के भी खूब दबाव आया कि आप अपना नाम चंद्रचूड़ न रख करके अलग रखिए, ये नाम थोड़ा कठिन है।
अच्छा नहीं लगता है, फिल्म के हिसाब से सूट नहीं करता है। स्कूल में उन्हें रॉकी कहकर उनके दोस्त पुकारा करते थे, लेकिन जब बात गुलजार साहब तक पहुंची तो उन्हें बोला चंद्रचूर सिंह नाम में क्या परेशानी है, फिर उन्हें उनका नाम नहीं बदलना पड़ा। गुलजार साहब ही थे जो इनके नाम को जस को तस रहने दिया। उनके स्टारडम का आलम ऐसा हो गया कि करण जौहर जब कुछ कुछ होता है बना रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले चंद्रचूर के पास आए थे, मगर किन्हीं वजहों से उन्हें मना कर दिया गया था। मगर माचिस के बाद लगातार 3 हिट फिल्में देकर चंद्रचूर सिंह बॉलीवुड पर छा गए। पहली बार ऐसा हुआ कि संजय दत्त के साथ डॉग द फायर दूसरी फिल्म थी, और साल 2000 में आई जोश जिसमें शाहरुख और ऐश्वर्या थी। इनमें इन्हें ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले आमिर खान करने वाले थे। इस फिल्म के 2 गाने मेरे ख्यालों की मलिका और हारे 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 जो गाना था वो बहुत ही सुपरहिट रहा। ये गाना इतना बेहतरीन था, हारे 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 हम तो दिल से हारे, ने इन्हें दर्शकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जिसमें इन्होंने सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ काम किया और लोगों ने इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ़ की। वही 2001 में आई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी इनकी एक्टिंग शानदार रही। एक साथ इतनी सारी हिट फिल्में देकर चंद्रचूर सिंह का कैरियर 7वें आसमान पर जा रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको मुँह मांगी फीस दे रहे थे। दोस्तों, अचानक इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इनका कैरियर बर्बाद करके रख दिया, इनका कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो गया। बात 2000 की है, जब जोश और क्या कहना जैसे हिट फिल्में देने के बाद चंद्रचूर छुट्टियां मनाने गोवा गए। वहां पर वाटर स्किन करने के दौरान उनके साथ एक खौफनाक घटना हुई। वाटर स्किन के दौरान बोट की रफ्तार काफ़ी तेज थी और अचानक उनका पैर फिसल गया। उनका एक हाथ रस्सी में फंस गया और रफ्तार इतनी तेज थी कि इनका एक हाथ लगभग कवड़ने ही वाला था कि बोट की रफ्तार को कम कर दिया गया, यानी कि नाव को रोक दिया गया। इन्हें भयंकर दर्द के बीच अस्पताल ले जाया जाता है और इनका कैरियर लगभग 1 साल के लिए ठप पड़ जाता है। इस दौरान इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, बहुत बेहतरीन जगह दिखलाए भी, कई डॉक्टरों से सलाह भी लिया, और जब 1 साल के बाद वो सेट पर लौटते हैं तो शूटिंग पर जब लौटते हैं तो इनको डांस या एक्शन के दरमियान में इनके हाथ में काफ़ी दर्द हो जाता है। दर्द होने की वजह से कोई भी काम ये समय से नहीं कर पाते हैं। परिणाम होता है कि डायरेक्टर का करोड़ों का नुकसान हो जाता है और धीरे धीरे जो है फिल्में इनसे छीनती चली गई। फिर इन्होंने कंधे का ऑपरेशन कराने का फैसला किया, इससे भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ और एक हादसे में ने इनका पूरा कैरियर ही बर्बाद करके रख दिया। जो बोट में इनका हाथ फंसा उसके वजह से इनका पूरा कैरियर जो था वो बर्बाद हो गया और इन्हें उभरने में लगभग 10 साल लगे। 10 साल के बाद जब कंधे का दर्द ठीक हुआ तो 2012 में इन्होंने फिल्म में वापसी की 4 दिन की चांदनी को लेकर के। लेकिन तब और अब का जो बॉलीवुड था उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका था और इनकी जो रंग था, इनका जो उस समय जो रुतबा था वो काफ़ी ख़त्म हो चुका था और बॉलीवुड काफ़ी आगे निकल चुका था। फिर उन्होंने टीवी पर कुकरी शो करना शुरू कर दिया और ज़्यादा दवा खाने की वजह से इनका वज़न भी काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन अगर वह
घटना न हुई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। इनकी शादीशुदा जिंदगी भी काफ़ी अच्छी नहीं रही। मई 1997 में इन्होंने अवंतिका मनकोठिया से शादी की, जो कांगड़ा हिमाचल की रहने वाली थी। अवंतिका मशहूर होटल व्यवसायी और कांग्रेस नेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी है और दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम संजय रखा गया, मगर दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल सका। अब चंद्रचूर बेटे के साथ रहते हैं और कभी कभार वेब सीरीज में दिखाई दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको चंद्रचूर सिंह कैसे लगते थे, इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये था चंद्रचूर की कहानी जो आपको अभी सुना रहे थे। और कोई नहीं जानता है कि किसके साथ क्या होगा। एक घटना ने इस बेहतरीन हीरो का कैरियर को बर्बाद करके रख दिया। तो दोस्तों, आने वाला वीडियो में भी आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।